नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और साथ ही आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जल्द ही शादी करने वाले हैं। 13 मई को दोनों ने सगाई की थी और इसी के साथ अपने प्यार का ऐलान कर दिया था। सगाई की तस्वीरें लंबे समय तक सोशल मीडिया पर छाई रही। दोनों को कई बार राजस्थान जाते भी देखा गया, जिसके बाद दोनों की शादी राजस्थान में होने के कयास लगाए गए। शादी के इन्विटेशन कार्ड सामने आते ही साफ हो गया कि अटकलें नहीं बल्कि सच में दोनों राजस्थान के उदयपुर में शादी कर रहे हैं। अब दोनों की शादी के प्री वेडिंग फंक्शंस भी शुरू हो गए हैं और आज फाइनली ये जोड़ा पहले दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाद फिर उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ। उदयपुर में इस जोड़े का बैंड बाजे के साथ बेहद ही भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में कई फैंस जानना चाहते हैं कि कब, कहां और कैसे, किस वक्त परिणीति राघव की शादी होगी और किस तरह का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं इनके दो दिनों के फंक्शंस का पूरा शेड्यूल। सो लेट्स बिगिन। ऐसा बताया जा रहा है कि 23 सितंबर से ही इन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत परिणीति की चूड़ा सेरेमनी से होगी। सुबह 10 बजे परिणीति को चूड़ा पहनाया जाएगा। इसके साथ ही सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच खाने पीने का भी इंतजाम किया जाएगा। चूड़ा सेरेमनी महाराजा स्वीट्स में होगी। वहीं खाने का इंतजाम बॉलरूम के पास छत पर किया गया है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक इनर कोर्टयार्ड में लंच रखा गया है। इसके बाद शाम को एक थीम इवेंट होगा जिसमें सभी 90 के दशक वाले बॉलीवुड अंदाज में नजर आएंगे। ये कार्यक्रम 7 बजे से गुआवा गार्डन में शुरू होगा। बता दें कि ताज लेक पैलेस पर दोपहर 1 बजे राघव चड्ढा की सेहराबंदी की रस्म की जाएगी। इसके बाद ताज लेक पैलेस उदयपुर से बारात दोपहर 2 बजे निकलेगी। यहाँ से निकलकर बारात सीधे लीला पैलेस पहुंचेगी, जहाँ 3:30 बजे जयमाला होगी। शाम 4 बजे फेरे होंगे और फिर 6:30 बजे विदाई होगी। इसके बाद खाने का इंतजाम और छोटा सा रिसेप्शन 8:30 बजे कोर्टयार्ड में रखा गया है। हर इवेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। कार्ड में शादी की ये सारी रस्में लिखी हुई हैं और बहुत खूबसूरती से हर फंक्शन की तस्वीर लगाकर दर्शाया गया है। तो ये थी राघव परिणीति के सभी फंक्शंस की डिटेल्स। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही आप इन दोनों को शादी के जोड़े में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।